पश्चिम बंगाल पर पीएम मोदी की नज़र। आज 12:30 बजे आईआईटी खड़गपुर को वर्चुअली करेंगे संबोधित। आईआईटी खड़गपुर ने किया है निर्माण। किसान आंदोलन को रफ्तार देने की कोशिश, पगड़ी संभाल दिवस मनाएंगे किसान संगठन। कई राज्यों से अन्नदाता करेंगे दिल्ली कूच। हरियाणा में खट्टर सरकार की बढ़ी परेशानी, कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, खट्टर सरकार ने जनता का भरोसा खोया, लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव। गुजरात में निकाय चुनाव के लिए वोटों की गिनती हुई शुरू, बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर, 2276 उम्मीदवार लड़ रहे हैं चुनाव। मिशन यूपी पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, आज मथुरा के जाट लैंड में प्रियंका गांधी करेंगी किसान पंचायत, जाटों को साधने पर होगी नजर। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की अयोध्या को लेकर बैठक, आज विजन डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट की करेंगे समीक्षा, बजट में भी अयोध्या को लेकर करेंगे कई ऐलान। राजस्थान में तैयार हुआ बजट आज सौंपी जाएगी सीएम गहलोत को कॉपी, कल सदन में किया जाएगा पेश। टीकाकरण अभियान में भी पस्त, मोदी सरकार निजी क्षेत्र की मदद से टीकाकरण अभियान बढ़ाएगी केंद्र सरकार, जल्द स्पष्ट होगी नीति। टूलकिट मामले में आज होगी सुनवाई, दिशा रवि की जमानत पर आ जाएगा फैसला, भेजा गया था एक दिन की रिमांड पर। जेईई मेन परीक्षा आज से शुरू, 852 परीक्षा केंद्रों पर 6,61,761 परीक्षार्थी हो रहे शामिल, पहली बार 13 भारतीय भाषाओं में परीक्षा देने का मौका। श्रीलंका से दोस्ती बढ़ाएगा पाकिस्तान, श्रीलंका दौरे पर जाएंगे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान, भारत ने दी हवाई क्षेत्र के उपयोग की अनुमति। मॉरिशस में विदेश मंत्री जयशंकर की पीएम प्रविंद जगन्नाथ से मुलाकात, वैक्सीन की 1,00,000 खुराकें सौंपी, मॉरिशस ने की तारीफ। रूस चीन को चुनौती देगा, ब्रिटेन फाइटर जेट मिसाइल से उड़ाएंगे सैटेलाइट, 60,000 की ऊंचाई से होगा वार। चीन ने अमेरिका को दिखाई आंख, चीन ने अमेरिका को दी नसीहत, कहा कम्युनिस्ट पार्टी को बदनाम न करें। दुबई में 14 साल के सरन की बनाई तस्वीर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा जवाब, दिखता है देश के लिए प्रेम। तेजी के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स अब भी 50,000 के नीचे, निफ्टी 68 अंक पर खुला। दोगुना किराया देकर भी परेशान हुए यात्री, यात्रियों को दिल्ली से वापसी की ट्रेन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा, मोबाइल ऐप से भी टिकट बुक कराने में आई काफी दिक्कतें। 2 दिन की शांति के बाद फिर लगी तेल की कीमतों में आग, दिल्ली के बाजार में पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर चढ़कर 90.93 रुपए पर पहुंचा, डीजल भी 35 पैसे का छलांग लगाकर 81.32 रुपए प्रति लीटर पार। LIC ने नई योजना बीमा ज्योति की पेश, पॉलिसी धारक को संरक्षण के साथ बचत का भी विकल्प मिलेगा, पॉलिसी 15 से 20 साल के लिए ली जा सकेगी। भारत के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता करने का इच्छुक है अमेरिका, भारत की योजनाओं की अमेरिका ने की तारीफ।